नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। अहिंसा का पाठ सिखाने वाले महात्मा गांधी की 192वीं जयंती मना रहे देश ने शायद ही सोचा होगा कि ठीक अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उनके इस सिद्धांतों को तार तार कर दिया जाएगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसा में 4 किसानों, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं, 1 ड्राइवर और 1 पत्रकार की मौत हो गई थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर खीरी एक गाँव में कुश्ती के दंगल का उद्घाटन करने की नीयत से वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब 9 मौतों के बाद पूरा लखीमपुर खीरी ही अपने आप में दंगल का अखाड़ा बन चुका है। इस घटना के बाद किसानों और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर आरोपों की बौछार शुरू हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से रौंद दिया था, जिससे 4 किसानों की जान चली गई थी। वहीं बीजेपी सांसद अजय मिश्रा टेनी का कहना है कि आरोप निराधार है और अगर मेरा बेटा वहां होता तो उसकी भी हत्या कर दी जाती। इस घटना के बाद से ही यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सूबे का विपक्ष भी अब हरकत में आ गया है और लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसी दिन से विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है और कल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पीड़ित किसानों के परिवारों से मिलने गए, मतलब किसानों के परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और ऐसे में अब आज नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर पहुंच रहे हैं लखीमपुर खीरी। हालांकि अभी वो निकले जब तो पुलिस और उनके बीच और वहां पर जो भारी भीड़ थी, तनातनी का माहौल देखने के मिला। वहीं अखिलेश यादव भी आज लखीमपुर खीरी पहुंच सकते हैं, साथ ही उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। यानी कि पूरे सीधे सीधे तौर पर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा मामले में सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और कितने लोग पूरी हिंसा में मारे गए और किन किन को अब तक गिरफ्तार किया गया है, ये सभी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं और अब कल इसकी पूरी मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। साथ ही आपको अब यह भी बता दें कि अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में आ गया है और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही आशीष पांडे और लवकुश को गिरफ्तार भी कर लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। अब आपको यह भी बता दें कि विपक्षी दलों का दरअसल कहना है कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है और इसीलिए वो इस तरह की घटनाएं करवा रही है जिससे किसानों को परेशान किया जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले से जुड़े हुए पिछले 4 दिन से अलग अलग वीडियोस, अलग अलग फोटोज और अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, जिससे ये कह पाना सही नहीं होगा और इससे ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन सही है अब तक और कौन गलत है। हालांकि जब जांच पूरे मामले में होगी तब इस बात का खुलासा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन इस मामले में अब तक सही था और कौन गलत था। हालांकि अब इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 1 दिन का वक्त दिया है, यानी कि आज का वक्त दिया है और ऐसे में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में मृतकों की जानकारी, एफआईआर की जानकारी, किसे अरेस्ट किया गया है, जांच आयोग आदि के बारे में सब बताना होगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि मृत किसान लवप्रीत सिंह की मां के इलाज के लिए हर संभव मदद दी जाए। साथ ही बेटे की मौत की खबर सुनकर मां को गहरा झटका लगा था, तब से वो बीमार है, इसीलिए यह आदेश दिया गया है। साथ ही कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पेश गरिमा प्रसाद ने कहा कि सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इसके अलावा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच टीमें बना दी गई हैं। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनकी और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं। और ऐसे में इसीलिए तमाम सवाल भी इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार अभी भी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति की जा रही है, सियासत की जा रही है, लगातार विपक्ष सरकार को घेरती नजर आ रही है और ऐसे में तमाम बड़े विपक्षी नेता लखीमपुर खीरी जाने में लगे हुए हैं। हालांकि कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने
वहां पर मिलकर मृतक किसानों के परिवारों से मुलाकात की। लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हिंसा हुई उसका जिम्मेदार आखिर कौन है, इसी पर चर्चा करेंगे। और तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज यादव नेता हैं सपा से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद सिंह कांग्रेस से नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही बीकेयू नेता सुनील बालियान भी जुड़ चुके हैं और बीजेपी नेता आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं, कल जिस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात की, उन्होंने दोनों ने ही मुलाकात की, और ऐसे में अब आज नवजोत सिंह सिद्धू जाने की जिद कर रहे हैं। अभी भी तस्वीरें आ रही थी थोड़ी देर पहले कि वो निकलने वाले थे और हरीश रावत भी वहां पर बातचीत मिलने जाना चाहते हैं किसानों के परिवार से। अब ऐसा क्यों, जब देखिए एक बार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मिल चुके हैं, फिर अब उनकी जाने की क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के नशे में, सत्ता के दम में चूर होके हर तरीके से अनैतिक काम कर रही है, किसानों पर चौतरफा हमला कर रही है, किस प्रकार से अनीति के तहत ये सरकार चला रही है, और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने, आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी ने ये सिद्ध कर दिया है, कोई बोले ना बोले, कोई दबाव में हो जाए, ये किसी को कुछ कर सकते हैं, डर दिखा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मत पार्टी है जो लोकतंत्र में लोकस्वर बनने की अपनी राजनीतिक संवैधानिक जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन कर रही है। और ये कुछ भी कर ले, आपने देखा कितने अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, किस प्रकार सरकार के लोगों से झूठ बुलवाया गया, किस प्रकार सारे अनैतिक काम किए गए, दबाव डाले गए, झूठ बोला गया, लेकिन किसानों की आवाज, किसानों को न्याय दिलाने का काम, और जो इनके गृह राज्य विनोद जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक, शायद कोई टेक्निकल इश्यू है। चलिए ठीक है विनोद जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, मैं मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी। आज क्यों जाएंगे, देखिए कांग्रेस का एक एक सिपाही किसानों का ऋणी है, जहां किसान के प्रति अपनी विनोद जी मैं आपके पास आऊंगी। विनोद जी, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक, मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। आज अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं, आपको नहीं लगता कि अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना माहौल खराब है और इसे खराब करने की कोशिश हो रही है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अखिलेश जी पहुंच चुके हैं और कई परिवारों से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। हम संवेदनाएं व्यक्त कराने जा रहे हैं, हम कोई वहां पे दंगा भड़काने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस तरह का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, आंदोलन करने की जगह लोगों को भड़का के, हिंदू मुसलमान करा के और इस तरह की बातें करा के बीजेपी ने अपनी राजनीति को हमेशा किया है। समाजवादी पार्टी उनकी जो दुख है, उनकी जो तकलीफें हैं, उसमें अपनी उनको दुख के बांटने का काम करती है और उसी के लिए हम लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले दिन जाना चाह रहे थे, तभी सरकार ने रोका, आज की डेट में वो गए हैं और मिलके उस परिवार के साथ ढांढस बनाएंगे। और एक बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं कि जो भी उनकी मांगे हैं, जो सरकार को लगता है कि जो पूरा कर दिया गया है, उससे इतर जो उनकी अभी बहुत सारी चीजें न्याय मिलने की प्रक्रिया है, उन सब को समाजवादी पार्टी उनके कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेगी। मैं क्या सरकार को कहूँ, त्वरित कार्रवाई तो की नहीं, आज 4-5 दिन बीत गए तब गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो निश्चित तौर पे अब हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो विवेचनाएं होंगी या एजेंसीज के द्वारा या जो भी इनके माध्यम है जांच के, वो निष्पक्ष रूप से होंगे, तभी मुझे लगता है कि न्याय मिल पाएगा उन पीड़ितों पे। और दूसरी एक बात, उसमें तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी चले गए दुनिया से, वो ड्राइवर भी उनका चला गया, उनके लिए भी बीजेपी के लोगों को समझना चाहिए कि आपकी अहंकार, आपसे मतलब है कि बीजेपी के मंत्री के अहंकार के चलते उन गरीब कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया बीजेपी, ये भी बीजेपी को बताना पड़ेगा। सत्ता में बैठी है, अब तक क्या उनके परिवार से कोई मिला जाके, क्या उनको कोई मदद की जाके,
अगर नहीं की मनोज जी क्या अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता मरे हैं इस पूरे हिंसा में, क्या उनसे परिवार से उनके मिले अखिलेश यादव? नहीं, जब बीजेपी ये कहती है कि हम दोषी नहीं हैं, तो जो बीजेपी नहीं, ठीक है मनोज जी, ठीक है, जब इतनी कोशिश की जा रही थी, इतने दिन से इतना विरोध किया जा रहा था, तब प्रदर्शन किया जा रहा था, अखिलेश यादव को देखा था, किसी ने किस तरह से वो सड़क पर बैठ गए थे, फिर सिर्फ किसानों के परिवार से ही क्यों मिले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से क्यों नहीं मिले? सड़क पे वो क्यों बैठे, ये भी बात तो जानिए, आप वीडियो में देखिए ना, मैं जस्ट बगल में उनके बैठा हूँ। जब पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी, जब पुलिस प्रशासन ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, तब वो सड़क पे बैठे। वो उनका कोई प्रयोजन सड़क पे बैठने का नहीं था, उनका प्रयोजन था उस पीड़ित परिवार के माँ बाप से, उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर ढांढस बंधाना, उनको न्याय के लिए आत्मसात करना कि हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। बीजेपी की सरकार, चलिए ठीक है मनोज जी ठीक है, आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया नहीं। इस बीच हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी धन्यवाद। प्रदीप जी, इतने दिन हो गए हर कोई यही सवाल कर रहा था कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, आखिरकार अब दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा तभी कार्रवाई होनी थी? देखिए सबको, मैं पहले तो नव दुर्गा के सबको प्रणाम करूंगा, और आज प्रदेश के अंदर 13 लोग एक्सीडेंट से जो मारे गए बाराबंकी में, मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आता हूँ लखीमपुर पे। देखिए लखीमपुर की जो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है आप गए हैं कोई और सुप्रीम कोर्ट से संतुष्टि लेना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है जरा सी भी, मगर प्रदेश की सरकार को जो कार्य करना है, चाहे वो न्याय का हो या उनको जो मुआवजा देने का हो, प्रदेश की सरकार सजग है, उस काम को देख भी लेंगे। न्यायपालिका काम है, जिसने दंड किया उसको दंड देना, और हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं और आराम से पीछे नहीं। देखिए जहां भारी जितने विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्हें बहुत जल्दी हर चीज की किसी भी तरीके से फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ये कानून व्यवस्था है, ये नहीं कि आपने एकदम घोषित कर दिया ये बदमाश है, ये गुंडा है, या इसने हत्या किया उसे फांसी चढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें न्याय व्यवस्था पे अगर है विश्वास, तो उस पर भी समय पे हर चीज होती है, और उस पर विश्वास भी रखना चाहिए। मैं तो साथी बंधुओं से भी कहूँगा, जितने पार्टी पॉलिटिक्स वाले जितने भी विपक्षी लोग हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि हमें अगर कानून पे व्यवस्था पे अगर है विश्वास, तो उस पर देखना चाहिए। लखीमपुर में जो घटना हुई है, मैं भी सुन रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने आदरणीय मनोज जी बैठे हैं मेरे साथ, बड़े वरिष्ठ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और बिल्कुल आपने पूछा कि भाई देखिए 8 लोग मरे, और जो 8 लोगों में जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो भी किसान थे और किसान परिवार से थे। ड्राइवर जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई वो भी किसान का बेटा था। तो ये राजनीति कैसी है कि आप 4 लोग तो गए, बिल्कुल जो 4 लोगों की हत्या कर दी गई डंडों से, जो कानून व्यवस्था, जो कानून को नहीं मानते। अगर न्यायपालिका पे विश्वास होता तो शायद वो डंडों से उसकी हत्या नहीं करते, और जो भी उन्होंने मार पिटाई करी उसे पुलिस के हवाले करते, मगर ऑन द स्पॉट जो उन्हें जो डिसीजन करना था उन्होंने ले लिया जो हत्या की गई, मगर इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। हर आदमी को किसान की संवेदना चाहिए, क्योंकि किसान हड़ताल पे बैठे हैं, जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे, क्योंकि सबको किसानों की संवेदना दिखाई दे रही है, किसानों के विषय में बोलेंगे, जिसका बच्चा या लाल गया, जिसका बाप गया है बच्चों का, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल अपराध करा है गाड़ी जो चढ़ाने वाले ने, बिल्कुल अपराध करा, और मैं मानता हूँ बिल्कुल अपराधी है वो, मगर अपराधी को कानून पर हाथ में देना चाहिए, ये नहीं कि आप उसे लाठी डंडों से वो मार दें। ये इनमें से कोई नहीं बोल रहा कि वो टी शर्ट पहने जो जिसने भारत पंजाब के आतंकवादी भिंडर वाले का फोटो लगा के जो वहां टी शर्ट पहने घूम रहे थे, जो किसानों के रूप में लाठी तलवार लेके जो वहां पे खड़े प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उसी विषय में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे? आप क्या अधिकार नहीं है उसमें बोलने का? ये कैसी रणनीति है? आप लोग थोड़ा सा प्रभाव, प्रदेश के रहने वाले हैं, प्रदेश हमारा आपका है, प्रदेश की शांति हमारा आपका कर्तव्य है, ठीक है राजनीति कीजिए, मगर प्रदेश को आग में तो ना जलाइए ना कम से कम। ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात सुन ली, लेकिन आप एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी मैं। देखिए जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, अभी तक उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई, और पुलिस कह रही है कि उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन तलाश क्यों की जा रही है? आशीष तो पिछले सोमवार से ही लगातार तमाम चैनलों पर आकर अपनी बात रख रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, फिर कहाँ चले गए आशीष एकदम से? देखिए कोई कहीं नहीं भागा हुआ, कहने वाली बातें हैं, जितनी भी वीडियो आ रही है अब तक, आज के नए तंत्र के विषयों को लेके जितने भी आज 12-15-20 वीडियो है, सब पे खंगाला जा रहा है। देखिए बहुत आसान है जेल भेजना, किसी करियर खराब करना बहुत आसान है, आप FIR लिखवाइए झूठी सच्ची और जेल भेज दीजिए, सब करियर खराब हो या सही हो, मगर मैं
कम से कम प्रशासन को कानून को तथ्यों पे नजदीक तक तो आने दीजिए। नहीं ठीक है, आपकी बात सही है प्रदीप जी, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आशीष कहाँ चले गए, ये किसी को पता ही नहीं है, क्यों पुलिस नहीं पहुंच पा रही है आशीष तक, और चार दिन हो गए, पूछताछ भी नहीं हुई, एफआईआर जब दर्ज हो गई उनके खिलाफ तो अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई थी, और अब कह रही है पुलिस के वो तलाश उनकी की जा रही है। भारतवर्ष के मीडिया ने आशीष जी का पूरा वीडियो दिखाया, जितने किसान जन थे जब जहां ये घटना हुई उन सबके वीडियो दिखाया मीडिया ने, उन सारी चीजों को कलेक्ट करके कानून अपने काम को करने के लिए कर रहा है। आशीष जी कहीं भाग जाएं, चाहे पाताल में आसमान में, कानून के हाथों से बचने वाले नहीं है। और रही आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी की, मैं उनके बता दूं, आज अगर उनका नाम भी एफआईआर में है, मगर तथ्य नजदीक आने दीजिए, हमें थोड़ा बहुत तो आपको हमें सब्र करना पड़ेगा, मगर हमारे विपक्षी दलों को बहुत जल्दी होड़ लगी हुई थी रात से ही, प्रदीप जी सबर करना पड़ेगा, ये ठीक बात है सबर करना पड़ेगा, लेकिन 10 दिन का समय है आपके पास, जो जिस बात को लेकर समझौता हुआ है उसमें 10 दिन का ही समय दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समय 10 दिन का हो या 2 दिन का हो, जो न्यायपालिका का काम है करने का, देखिए इसमें जितने भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो लोग हैं, जितने आईएएस आईपीएस रैंक के हैं और पूर्व जज भी हैं, कम से कम उन पे तो आप लोगों को एतवार करना पड़ेगा कि अगर वो अपना अगर जो भी रिपोर्ट सौंपेंगे उन पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, सारे न्याय के लिए भाग रहे हैं इस समय लखीमपुर, बहुत भाग रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर बात की जाए तो जो 8 लोग मरे उन सबकी बात की जाए, उसमें पत्रकार भी है, ड्राइवर भी है, अन्य लोग भी हैं जो घटना में मारे गए और जो जिनको कुचल के मार दिया गया, अब जिन्होंने मारा वो अपराधी हैं, जिन्होंने गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर और जिन्होंने डंडों से मारा वो भी अपराधी हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास लौटूंगी, मनोज जी बहुत देर से यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कुछ, प्रदीप जी आऊंगी, मनोज जी बोलिए। देखिए मैं बीजेपी की बातों से इसलिए अपनी असहमति व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कहा कि विपक्ष बड़ा उतावला हो रहा है, अपराध और अपराधियों के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा उतावलापन किसी को है तो योगी आदित्यनाथ को। बिकरू कांड जब होता है, याद करिए आप, मैं विकास दुबे का ना प्रोटेक्ट कर रहा हूं ना विकास दुबे पे बात करूंगा, उसमें एक माइनर बच्चा था, 16 साल उसके 15 साल उम्र थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा, वो अंडर 18 था, उसका एनकाउंटर उसको पकड़ने के बाद गाड़ी पंक्चर हो गई, पंक्चर होने के बाद उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं और किसी को नहीं प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन खुशी दुबे को याद करिए, कौन सी जांच आपने उसकी की थी, डीएम ने तो क्लीन चिट दे दी थी, ऊपर से आदेश गया और उसको जेल में बंद कर दिया, 1.5 साल से वो सड़ रही है, 5 दिन की ब्याहता थी, कौन सी सरकार आप चला रहे हो, आप तो इनकाउंटर तत्काल करने वाले हो, क्यों नहीं इनकाउंटर कर रहे हो। मैं कह रहा हूं अगर आशीष नहीं मिल रहा तो उसका घर गिराओ ना, उसके घर की कुड़की करो ना, आपने बिकरू का तो किया था प्रदीप जी, जवाब देना चाहेंगे, पूरे प्रदेश में आपने चीख किया प्रदीप जी, जी बिल्कुल, हमें नहीं है उतावलापन, उतावलापन आपको है, न्याय प्रक्रिया पे आप विश्वास नहीं करते इसलिए आप जवाब दीजिए। मुझे श्री मनोज जी से यही उम्मीद थी कि मनोज जी अभी तक कानपुर क्यों नहीं पहुंचे, विकास दुबे तक क्यों नहीं पहुंचे, ये समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता नेता आज के टाइम में डिबेट पे और जो टीवी पे कार्यक्रमों में बैठ रहे हैं, आज वो ब्राह्मण सभा कार्यक्रम, ब्राह्मण प्रकोष्ठ काम कार्यक्रम करते करते विकास दुबे की चीजों को लेके बोलने लगे हैं, क्योंकि पता है कि समाजवादी पार्टी से उनके लिंक थे और वो दर्द आदरणीय मनोज जी के ऊपर से उठ गया, बिल्कुल दिल से उखड़ गया, वो आज बोल पड़े, अपराधी अपराधी है, चाहे वो कोई हो, 16 साल का हो या 20 साल का हो चाहे 50 साल का हो, अपराधी अपराधी है। हमने आपने वो तो देखा क्लीन चिट, आपने वो नहीं देखा जिनकी मांग उजड़ गई पुलिस वालों की, जिनको बेरे में से गोली से भून दे गया, जो गिरफ्तार करने गए थे, वो आपको आदरणीय मनोज जी दिखाई नहीं दिया, आपको आपको विकास दुबे दिखाई दिया, आपको आप आंख से अंधे हैं, मैंने कहा कि जांच की थी क्या, कौन सी जांच की थी आपने, किसने गोली मारी किसने गोली नहीं मारी, बेशर्मी मत दिखाइए, बेशर्मी मत दिखाइए बहस में, मुझे पसंद नहीं है बेशर्मी, मैं कह रहा हूं कि उसमें माइनर बच्चे को आपने जांच करके उसके खिलाफ न्याय किया था, क्या किया था बताइए ना, जो आज आप उस हत्यारे के जिसने गाड़ी चढ़वा दी किसानों पे, उसके लिए तो आप बेचैनी है आपके अंदर, उस 16 साल 14 साल के बच्चे के लिए भी तो बेचैनी होनी चाहिए थी, बिल्कुल देखिए अपराधी था नहीं था, उसने गोली चलाई नहीं थी, प्रदीप जी आदरणीय मनोज जी, आप जैसे लोग भविष्य के जो ज्ञाता रहे उत्तर प्रदेश के, यही विडंबना रही
कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी शांति रही नहीं। प्रदीप जी मनोज जी जो यहाँ पर कह रहे हैं, प्रदीप जी मनोज जी जो यहाँ पर कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि देखिए योगी सरकार इतनी त्वरित तरीके से कार्रवाई करती है, इतनी जल्दी कार्रवाई करती है, और इस मामले में अब तक जिन पर FIR दर्ज की गई उनसे पूछताछ तक नहीं हुई, और अब जब आज सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली, आज का दिन दिया गया तो तुरंत गिरफ्तारी होने लगी, हिरासत में लिया जाने लगा। देखिए हिरासत की बात तो यह है कि देख सुप्रीम कोर्ट जो कही वो ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कानून। मैं फिर कह रहा हूँ न्यायपालिका पे विश्वास ही नहीं किसी को, सबको बहुत जल्दी है कि हाथों हाथ डिसीजन मिल जाना चाहिए। अरे न्यायपालिका पे हमें क्यों विश्वास वाली बात कर रहे हैं भाई, विश्वास आपको नहीं है? सुनिए मनोज जी, सुनिए आपको विश्वास न्यायपालिका पे नहीं है? एनकाउंटर ठोको सरकार चला रहे हैं। हां बिल्कुल मनोज जी, मुझे पता है कौन सा केस आप न्यायालय लेके गए, आप जो बैठे हैं। चलिए ठीक है मनोज जी और प्रदीप जी, आप पर आऊंगी। विनोद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सुनील बाल यादव, देखिए भारतीय पार्टी के आपने मेरी बात को, देखिए प्रदीप विनोद जी सुनील जी आऊंगी आपके पास। पहले मेरा पक्ष सुन लीजिए, मैं तीनों भाइयों की बात सुन चुका हूं। अगर मुद्दे पे बात करेंगे तो मुद्दे की बात ही करूंगा मैं, क्योंकि मैं भी पिछले 10 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहा हूं और किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। जो इनकी बात सुनी मैंने प्रदीप जी की, प्रदीप जी ने ये बोला है भाई वहां पे जाकर के लोग ऐसी ऐसी टी शर्ट पहन रहे थे, इनका ध्यान उस टी शर्ट पे तो बड़ा जल्दी जाता है, लेकिन इनका ध्यान उस चीज पे नहीं जाता कि 10 महीने से जो किसान बैठे हुए बॉर्डर पे वो क्या कर रहे हैं। और जब वहां पे जाकर के एक इनका नेता, उनके नेता का लड़का जो पहले से उसके पिताजी बदमाश है जो तस्करी करते थे चंदन की लकड़ियों की, और वो 4 दिन पहले एक बयान देते हैं कि इन किसानों को 2 मिनट में मैं हटा दूंगा, वही काम करा इन्होंने गाड़ी चढ़ा करके वहां पे, ये कौन सा इंसाफ है? क्योंकि मैं मानता हूं और हर कोई पूरे भारत पर जानता है कि भाजपा वाले गौड़से की सोच रखते हैं। जिस दिन यहाँ पे गांधी जी की जयंती थी उस दिन ये गौड़से की रिवाल्वर का प्रचार करते हैं। इनकी भावनाओं का पता चलता है कि ये इनकी भावनाएं कैसी है, ये कितने विरोधी आदमी है, किसानों के विरोधी लोग हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं, बेचारे शांति चल रहे हैं, आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन उसके ऊपर ये लोग गाड़ी चढ़ा देंगे ऐसे ही, क्योंकि ये सत्ता के जो अहंकार है सत्ता का उससे ज्यादा चूर हो रहे हैं, इनसे खुद पे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है इनसे कि अपनी ताकत को कैसे संभाले। इनके लिए तो जो आम जनता है वो कीड़े मकोड़े हैं, और उनके ऊपर छाया जो गाड़ी चढ़ा दी, गोली चला दी, ये कौन सा इंसाफ है? मैं रात को वहीं पहुंचा उसी दिन रात में, सुबह 4:30 बज के पहुंचते टिकैत साहब के साथ था, हमने जाके स्थिति देखी वहां पे, जायजा लिया हमने जाकर के, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग है जो फेसबुक के माध्यम से भी वैसे भी दुष्प्रचार करते घूम रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये लोग वहां के थे ही नहीं, पंजाब के बता रहे हैं उन लोगों को। अरे पंजाब भी तो भारत में होगा, लेकिन एक भी व्यक्ति पंजाब का नहीं था, सब उच्च क्षेत्र के आदमी है। क्या आदमी की जान का कोई महत्व नहीं है इनकी नजरों में? जब मन करेगा गाड़ी चढ़ा देंगे, जब मन करेगा गोली मार देंगे। सुनील जी, अभी आप कह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार आप रहते हैं, जिस तरह से 10 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, हिंसा हो रही है, लखीमपुर खीरी हो या फिर लाल किला हो, इस आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा पूरा कोशिश करने की जा रही है? देखिए मैडम, सबसे बड़ी चीज क्या है, इस आंदोलन को हिंसक कौन बना रहा है? इस आंदोलन को हिंसक बना रही है भारतीय जनता पार्टी। अब लाल किले की बात कर, नहीं सुनील जी क्या किसान इसमें शामिल नहीं थे? जिस तरह से लाठी डंडों से पीटा जा रहा था, क्या किसान नहीं थे वो? मैम आज तक आपने कहीं पे भी देखा होगा, किसी भी स्थिति को देख लो, अगर कोई आदमी पीछे से आकर के गाड़ी चढ़ा रहा है, किसी आदमी को मार रहा है, जनता की भीड़ होती है, उग्र हो जाती है, हम उस चीज को नहीं कहते। जो दोषी है दोषी को सजा मिलेगी, ऐसी बात है, लेकिन वो कौन सा तरीका है कि आकर के गाड़ी चढ़ाते चलते रहते ऊपर, वो तो सभी आदमी को मारने का प्रयास था भाई। 5 आदमी मरे हैं, बाकी एक हमारे किसान नेता है अभी तक वो सीरियस है, मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है, तेजिंदर सिंह विरक, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, सीधा टारगेट उनको किया गया, उनको मारने का प्रयास किया, क्योंकि तराई क्षेत्र के अध्यक्ष है वो, उनको मारने का प्रयत्न किया। ठीक है सुनील, आज ये बैठ करके बात करते हैं इधर की उधर की, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो बात है, क्योंकि सबसे बड़ा गुंडा तंत्र इनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सबसे बड़ा गुंडा तंत्र है, क्योंकि इन लोगों ने क्या काम किया, कहते हैं कि देश में कानून व्यवस्था हमने लागू कर दी, लेकिन जो पुरानी पार्टी के गुंडे थे इनको इन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन जो इनकी ही पार्टी के गुंडे उनको कौन खत्म करेगा?
और आज ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में है। मैं उनको बताता देश हित में है नहीं, सबसे बड़ी देश विरोधी पार्टी है। अगर ये अपने आप को मानती है भाई हम भारतीय जनता पार्टी वाले अगर इतना मजबूत समर्थन लेकर के खड़े हुए हैं, 167 सांसद कांग्रेस के भाजपा के अंदर है, अब भाजपा नहीं रही, वो भांग्रेस हो चुकी है। और मैं हमेशा पूछता हूं इन लोगों से कि भाई किसानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने किसानों की आय दुगनी करने कही थी, किसानों को बर्बाद करने का ठेका लिया है। अगर इनका आंदोलन ऐसे खत्म नहीं हो रहा तो जगह जगह हिंसा पैदा की जा रही है। तो सुनील जी फिर आप लोग भी क्यों नहीं मान जाते, आप भी खत्म कीजिए कहीं बात। जैसे देखिए इस पूरे मामले में देखिए सुनील जी, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर भी समझौता हुआ था, तो ऐसे ही कर लीजिए इस आंदोलन को लेकर भी समझौता, कुछ मान जाइए आप भी। बिल वापसी करो, एमएसपी की गारंटी, तो कानून बनाओ, आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन कहां मना कर रहा है, लेकिन ये तो सुनना ही नहीं चाहते। कहते हैं कि कौन दूर है किसान, अरे गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं किसान नहीं दिखते, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए किसान नहीं दिखते, बंगाल में जाकर रैली कर लेंगे, मध्य प्रदेश में जाकर रैली कर लेंगे, वहां के किसान इनको किसान नजर आते हैं। और ये कहते हैं कि कुछ चंद लोग यहाँ बैठे हुए, हमें क्या क्या नाम नहीं देते, खालिस्तानी हमें देते, आतंकवादी हमें देते, देशद्रोही हमें देते। क्या इस देश का किसान देशद्रोही है? प्रदीप जी आप बताइए, इस देश का किसान देशद्रोही है अगर हम बैठे हुए वहां पे? देखिए देशद्रोही की, देखिए पहली बात तो किसी बीजेपी के नेता ने ना तो देशद्रोही बोला, खालिस्तानी बोला। आप इस पे ये नहीं बोलेंगे सुनील जी, जो हमने सिंधु बॉर्डर और टीरी बॉर्डर पे जो भिंडर वाले के फोटो लगे हुए थे, जो उसका निशान था, जो कनाडा से जो वहां से संदेश आ रहा था, उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते? आपसे एक बैनर भी उतरवाया गया, आपसे भिंडर वाले का एक बैनर भी उतरवाया गया आपने, और आप आतंकवादी और देशद्रोही की बात करते हैं। आप मुझे एक नेता का बता दीजिए नाम, जिसने एक बीजेपी का नेता का नाम बता दीजिए जिसने आतंकवादी खालिस्तानी बोला। आप लोग उसको नहीं कहोगे, आप किसान नेता हैं, आप गाजीपुर बैठे, एक एक मेरे नेता का नाम बता दीजिए जिसने बोला। और मैं आज से आज ही इस्तीफा दे दूंगा आपके माध्यम से, और बताओ तुम्हारे नेता तो अरे आप मुझे एक का नाम बता दो ना, आप एक का नाम बता दो। आप लोगों को जो है ना, आप लोगों को राजनीतिक गोद में बैठ के राजनीतिक बातें करना आ गई है आपको? अरे साहब मैं कहता हूँ, भाई ना आपने टीवी फोन क्या कर नहीं गया, पूरे सबूतों के साथ में वहां विराजमान था, उपस्थित था। आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा, सुनील शर्मा विधायक और नंद किशोर दोनों गए थे मारने के लिए, आरएसएस के बंदे गए हुए थे, 5000 पुलिस फोर्स लगा रखी थी, आप कैसे कहते हो कि नहीं? कोई वीडियो है आपके पास, कोई तथ्य है आपके पास? झूठ बोल रहे हैं आप, कुछ तथ्य है आपके? आप बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं आप। चलिए ठीक है सुनील जी और प्रदीप जी, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। अगर सुनील जी और प्रदीप जी ठीक है, कौन करेगा? अरे भाई जांच बता रहा, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। आपने टेकेजी की लैंग्वेज सुनी थी आपने? कैसे एक विधायक के लिए सुना नहीं आपने? मैं वहां था, आप तथ्य होते नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो भाजपा कार्यक्रम सुनील जी और प्रदीप जी आऊंगी आपके पास, रुक जाइए। अब मनोज जी कुछ कह रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश और देश जहां कहीं भी कोई भी, चाहे वो एनआरसी को लेकर आंदोलन हुआ हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे हाथरस की बेटी पे लोग जो वहां पे धरने पे बैठ गए, हर जगह बीजेपी ने कोई ना कोई एंगल जरूर जनता को बता दिया। कहीं पीएफआई आ गई, कहीं भिंडेरे वाला आ गया, कहीं खालिस्तानी आ गए, कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आ गया, अब कहीं तालिबान का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। करना क्या चाहते? मैं एक बात पूछता हूँ और आप भी बताइए मुझे, और 1-to-1 मैं प्रदीप जी से करना चाहता हूं, अंग्रेज से माफी मांगना राष्ट्रवाद हो कि देशद्रोह है? जवाब दीजिए। अंग्रेज से अगर मैं माफी मांगू गुलाम देश, अरे हमें बताइए अंग्रेज से अगर मैं माफी मांगू तो मैं राष्ट्रद्रोही हूँ, देशभक्त हूँ या राष्ट्रद्रोही हूँ, बताइए। पहली चीज जो आपने पीएफआई की जो बात करी ना, अगर कोई चीजें उजागर, अरे मैं पूछा हूँ अंग्रेजों से माफी मांगना राष्ट्रवाद का प्रतीक है? हाँ। कि नहीं ये बताइए, जिनके खून में पानी मिला होगा वही माफी मांग रहे होंगे किसानों? तो वीर सावरकर को क्यों पूजते हो? वीर सावरकर को क्यों पूजते हो? उसने दसियों बार मांगी माफी। मैं बता देता हूँ उसको, अगर भारत रत्न देना चाहते हो, सुने शर्म नहीं आती है? सुनिए मनोज, शर्म नहीं आती आपको? वीर सावरकर बिल्कुल हमको मत बताओ, मैं आप सुनेंगे, आप अपने आप को मंथन करो, चिंतन करो कि टीवी पे क्या बोलते हो। वीर सावरकर का हमें नाम और गर्व है, वीर सावरकर पे
मैं 20 बार माफी मांगने वाला व्यक्ति था, पेंशन लेकर अंग्रेजों से, अंग्रेजों से पेंशन लेकर था। शर्माती है, शर्माती है, अंग्रेजों ने भेजा था, शर्माती है जी। अगर अगर नहीं आती है सर, काला पानी नहीं जाते जी। 10 साल तो चलिए ठीक है, रुक जाइए। मनोज जी, सुनील जी और प्रदीप जी, मनोज जी देखिए, रुक जाइए आप तीनों, रुक जाइए आप तीनों। विनोद जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं और आप सभी को सुन रहे हैं। सुनील जी सुन लीजिए, आपके पास आऊंगी मैं, आपको भी समय मिलेगा। प्रदीप जी आपको भी समय मिलेगा, मनोज जी आपके पास भी आऊंगी। सुनील जी रुक जाइए, सुनील जी रुक जाइए, विनोद जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी पहले बोलिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए, विषयांतर होने से कोई फायदा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। जब किसानों से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, इनके संदिग्ध और गलत पृष्ठभूमि के गृह राज्य मंत्री के द्वारा ये किया गया कृत्य है, मुख्य सूत्रधार वो है, उस पर ना बात हो पाए, आपके दर्शकों तक इनकी मंशा का पर्दाफाश ना हो पाए, इसलिए षड्यंत्रकारी। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप साइंटिफिक देंगे। प्रदीप जी रुक जाइए, आप बहुत देर से विनोद जी सुन रहे थे आप सभी को। सुनील जी चुप रहिए, सुनील जी रुक जाइए, बहुत देर से आप सभी को सुन रहे थे। विनोद जी बोलिए आप। चूंकि ये सत्ता में है तो ये डराने का काम करेंगे, चाहे आपके कार्यक्रम में है, चाहे सत्याग्रही किसानों पर ये गाड़ियां चला देंगे, निशंक हत्या कर देंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी यहीं पर आके बड़े इवेंट करेंगे, लेकिन किसान उनके मन में नहीं रहता है, ये देश ने जान लिया। यही बगल में सत्याग्रही आंदोलनरत किसानों पर जो जुल्म और जाति इनकी सरकार कर रही है, उस पर इनको मन की बात का एक शब्द नहीं फूटता है, ये सच्चाई है। और जो देश भारत का एक एक व्यक्ति, मैं कहता हूं किसान का ऋणी है, उनके परिश्रम का ऋणी है, और कांग्रेस पार्टी ये कितना भी दबाव बना दे, कितना भी गुमराह कर दे, कितना भी अनैतिक आचरण कर दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उन किसानों को अकेला नहीं छोड़ने का काम करेगा, उनके साथ सहानुभूति रखेगा, संवेदना रखेगा, उनकी सहायता करने का वचन करेगा। और ये प्रण करता है, हमने पूरी पार्टी जिस शिद्दत से, जिस सेवा भाव से हमने किसानों को सहायता देने का काम किया, आज उसी का कारण है सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, इनकी किसान विरोधी नीतियां उजागर हो चुकी है। विनोद जी आप किसान, विनोद जी जंगल राज चलेगा। विनोद जी आप किसानों के साथ खड़े होने की बात तो कर रहे हैं, विनोद जी कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी, होश में रहिए, होश में, देश चलेगा किसानों के हित से, किसानों की अनदेखी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है विनोद जी, आप किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, क्या आप उन बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे जिनकी जान गई है इस पूरी हिंसा में? क्यों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनसे मिलने नहीं गए? देखिए, पहले जो इनकी राजनीतिक संवैधानिक जिम्मेदारी है, एक हफ्ते पहले गृह राज्य मंत्री जैसे पद, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किसानों को किस प्रकार अपमानित भाषा का उपयोग करते हुए कहते हैं कि आंदोलन में 2 मिनट में खत्म करा दूंगा, ठीक है, और उसको मूर्त रूप देने के लिए यह षड्यंत्र के तहत साजिश हुई है। ईमानदारी से जांच हो जाए तो ये लोग बचेंगे नहीं। लेकिन विनोद जी, जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई उन्होंने तो कुछ नहीं कहा था, क्यों उनके परिवारों से मिलने नहीं पहुंची प्रियंका गांधी और राहुल गांधी? क्यों सिर्फ किसानों के परिवारों से ही मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो बेहद साधारण अवस्था में उनका दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उनको आगाह रहने की जरूरत है, उनको विवेकपूर्ण फैसला लेने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कातिल मंसूबे के साथ ये किसी को, ठीक है विनोद जी भारतीय जनता पार्टी को जो करने की जरूरत है वो कर लेगी। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्यों प्रियंका गांधी वहां नहीं गई? और जब आज उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आईजी ने वहां जाने की परमिशन नहीं दी, तो फिर क्यों आज उन्होंने विरोध नहीं किया? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनकी मौत नहीं हुई? बिल्कुल। देखिए, किसान सहित जो लोग भी दुर्घटना में नहीं रहे, सबको हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने, पंजाब की सरकार ने आर्थिक सहायता देने का काम किया, उनके प्रति पूरी सहानुभूति संवेदना व्यक्त की,
स्थानीय प्रशासन ने जितनी सीमाएं, ठीक है, वो सब किया विनोद जी वो सब किया जिस चीज के लिए प्रियंका गांधी पिछले 4 दिन से लड़ाई लड़ रही थी कि परिवार से मिलना है, परिवार से मिलना है, फिर उन परिवारों से क्यों नहीं मिली। सिर्फ एक सिंपल सा जवाब चाहती हूँ मैं आपसे, क्या अब नई राजनीति की जा रही है कि सिर्फ किसानों के घर जाना था इतने दिन से, इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही थी क्या? चलिए विनोद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी बोलिए। मैं ये बात कह रहा था और आपने शायद मेरी बात को समझा नहीं, बीजेपी से आपको सवाल पूछना चाहिए था। अगर केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि हमारे पक्ष की कोई गलती नहीं, किसानों ने लाठीचार्ज किया, किसानों ने पथराव किया, तो बीजेपी के नेताओं को उन मृतकों के यहां पहुंचना चाहिए जो बीजेपी के लोग, क्यों? क्योंकि वो इस घटना को नहीं मान रहे। सुनील बालियान जी, मनोज यादव और आपके कांग्रेस के, हम लोग तो ये बात मान रहे हैं कि गाड़ियां चढ़ाने वाले किसानों पे जो निर्दोष थे, कोई आंदोलन भी नहीं कर रहे, वो अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे और बहुत शांतिपूर्वक जा रहे थे, उन पे अगर कोई अधाधुंध गाड़ी चढ़ा के उनको, नहीं देखिए मनोज जी, वहां पर विरोध तो किया जाना था मनोज जी, ये बात तो सही है कि वहां पर विरोध करने के लिए किसान थे, ऐसा नहीं है कि वो घर जाने के लिए वहां थे। मुख्यमंत्री का होना था जी, विरोध उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का होना था, जब वो वहां नहीं आए तो वो सब वापस जा रहे थे। और किसी मुख्यमंत्री, किसी उप मुख्यमंत्री का विरोध करना, काले झंडे दिखाना, ये गैर संवैधानिक तो नहीं है? और अगर कोई गैर संवैधानिक काम नहीं कर रहा है तो उस पे, उस व्यक्ति पे उंगली उठाना मेरे ख्याल से गलत है। आपको मैं बताऊं, जब कानपुर में, गोरखपुर में हत्या होती बीजेपी के कार्यकर्ता की पुलिस के द्वारा, तो हम जाते हैं सबसे पहले, हमारे नेता जाते हैं उस परिवार की, हम 20 लाख रुपए दे के मदद भी करते हैं, वो बीजेपी के ही तो कार्यकर्ता थे, हमारे तो नहीं थे। लेकिन आज तक क्या ये टोपी लगा के फिर लखीमपुर में क्यों नहीं गए मनोज जी, लखीमपुर में क्यों नहीं गए फिर? नहीं मैं नहीं, तो अब ये बताए ना बीजेपी, ये कहे कि जो गलतियां है वो किसान की गलती है, पूरी गलती किसी की भी हो मनोज जी, जांच जब होगी वो पता चल जाएगा, गलती किसी की भी हो, वहां क्यों नहीं गया अपराधी गए, आप लोग वहां क्यों नहीं गए, ना कांग्रेस गई ना आप गए। मैं कहता हूं एक सेकंड, क्या विकरू कांड में जो अपराधी था उसके यहां कोई गया क्या? कोई नहीं गया, तो अपराधियों के यहां कौन जाएगा? बीजेपी दो पक्ष तो नहीं रख सकती, एक ही बात तो कहेगी ना, वो स्पष्ट करे, पुलिस प्रशासन के माध्यम से स्पष्ट करे कि कौन एक्यूज है, किसने जाति की है, किस पे जाति की गई है, ये बताएं। अब ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, अगर किसी ने जानबूझ के किसी किसानों की हत्या कर दी, गाड़ी चढ़ा के 5 लोग मर गए, उसमें एक पत्रकार किसान भी था, तो फिर वो किसान शांत नहीं बैठेंगे, वो भीड़ थी, भीड़ क्या परिणाम देती है आपको पता है? हजारों लोग जहां एकत्रित हो क्या करेंगे? नहीं मैं कह रहा हूं वो भीड़ थी ना, तो आप बताइए आप क्यों नहीं गए, अगर आप समझते हैं कि आपके कार्यकर्ता निर्दोष थे, क्यों नहीं गए बताइए ना, हम तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। अरे शांति छोड़िए, हमारी रणनीति में सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर मैं सत्य क्या है, बिल्कुल अगर आपसे मैं बोल दूंगा ना भी कि सफाई में ठुमके और मुजफ्फरनगर में दंगे, तो आपने शांत, हेमा मालिनी आती थी ठुमके लगाने, हेमा मालिनी आती थी ठुमके लगाने, हेमा मालिनी आती थी तो बताएंगे, सुनो ना, हेमा मालिनी आती थी ठुमके लगाने, मनोज जी अगर मुद्दे पे रहेंगे वही सही रहेगा। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, मनोज जी और प्रदीप जी रुक जाइए, आज तक क्यों नहीं कराया, क्या दिक्कत है? 4.5 साल में, 4.5 साल गोरखपुर में हो रहा है ना, सरकारी किसान क्यों मरे ये बताओ ना, कहता रहा हूँ, नहीं तो सरकारी पैसा क्या दिया जलाने के लिए, क्या चला गया सफाई मौसम, आपको दिक्कत है, लखनऊ में भी महोत्सव नहीं हो रहा है, 4.5 साल से लखनऊ में भी महोत्सव, शासन में वो आग लगाई, मत दिखाओ किसानों की मौत पे सफाई महोत्सव, मत लाओ मुझे पता, आप दिखा रहे हो ना, आदमी बांटे रेवड़ी और अपना, आपको महोत्सव सुन रहा है जी, जी गोरखपुर की बात कर रहे हैं, अभी जो गोरखपुर की बात कर रहे थे मनोज जी, पता तो टोपी लगा कैसे राजनीति चल रही थी, वहां भी देखी हम लोगों ने, और किसानों से जो पुलिस वाले टोपी लगा के देखी हमने, वो आपकी कार्यकर्ता को जिन पुलिस वालों ने मारा, वो कहां है पुलिस वाले? सब जेल गए, चिंता मत कीजिए, सब दिमाग का इलाज करा लो। अरे आप एंकर होके क्यों इस तरह सवाल नहीं पूछ रहे?
क्या गोरखपुर के पुलिस वालों की गिरफ्तारी हुई है क्या? मनोज जी शायद अगर आप बैठे होंगे यहाँ पर शुरू से तो आपने सुना होगा कि सबसे पहले मैंने प्रदीप जी से यही पूछा था प्रदीप जी से एक सवाल। क्या प्रदीप जी बीजेपी की तरफ से ये बोल रहे हैं कि सारे पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए? इनसे तो खबर हमको आनी चाहिए थी ना। ये कैसे आप लोग गांजा पी के टीवी डिबेट में बैठते हो क्या? प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया गांजा पी के मत किया करो। मनोज जी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मनोज जी अगर हम मुद्दे पे रहेंगे तो ही सही रहेगा। आप दोनों रुक जाइए प्रदीप जी और मनोज जी आपके पास आऊंगी। मनोज जी रुक जाइए नहीं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। आप कैसी भाषा बोल रहे हैं यहाँ पर? मनोज जी आप बीजेपी पर जो भी आरोप लगा रहे हैं जो भी बातें कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी भी राजनीति करने से पीछे नहीं रहती। मनोज जी आपकी पार्टी भी राजनीति करने से पीछे नहीं रहती। आजकल गांजा बहुत चल रहा है, उत्तर प्रदेश में पकड़ा भी बहुत जा रहा है गांजा, हर जगह गांजा, लखनऊ में। मनोज जी ठीक है, मनोज जी आप रुक जाइए। सुनील जी बोलिए, आप हो गया उत्तर प्रदेश की बर्बादी का कारण हो गया। मनोज जी आप रुक जाइए, सुनील जी बोलिए। प्रदीप जी मुझे एक बात बताइए यार, एक सेकंड आदरणीय मनोज जी, मैंने देखा है जब आप चिढ़ने लगते तो आप बदतमीजी को उतारू हो जाते हैं आप, और आप इतने बड़े बड़े नेता, आप इतने बड़े पार्टी के नेता होने के बाद आप बदतमीज शोभा नहीं देते आपको। आप ये बताओ कि वो क्या 6 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो गए? आप आधिकारिक बयान दो। आप सब कुछ पूछ सकते हैं, अधिकार है आप सबको अधिकार है। आप जो बदतमीज, प्रदीप जी आप भी जवाब दे दीजिए। प्रदीप जी जब पूछा जा रहा है तो जवाब दे दीजिए ना। जवाब दे दीजिए आप। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मेरे सवालों का अगर आपके पास जवाब है देना, छुपना मत। नहीं नहीं बोलिए, आप बोलिए, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। आप बताइए, ज्यादा किसानों की शहादत जा चुकी है क्या? एक बार भी जाकर के मोदी जी की आंखें नम हुई हैं? नहीं हुई, कोई बयान नहीं आया। जवाब दे दूं? सबसे बड़े सुनील जी अब जवाब तो सुन लीजिए। सुनील जी सुन लीजिए जवाब, बोलिए प्रदीप जी बताइए। मेरा निवेदन है कृपया सब्र से सुनिएगा, जिन्हें 700 किसानों की जो ये बता रहे हैं, जो 40 नेता बन के बैठे, जिन्होंने इनके 40 किसान गरीबों की हत्या करी है, जिसके लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं बॉर्डर में बैठ के, उनसे सवाल कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते सरकार से बात हो। 40 नेता लाशें फैला रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग जो है चाहते ही नहीं कि सरकार और किसानों के बीच वार्ता हो। ये चाहते ही नहीं किसान और सरकार के बीच वार्ता हो। प्रदीप जी फिर आप कर लीजिए ना, प्रदीप जी बीच में तो कोई नहीं आ रहा है, आप बुलाइए किसानों को, बातचीत करिए और ये पूरा आंदोलन खत्म कराइए। देखिए सवाल तो मुझसे सब करते हैं, जब जवाब की बारी आती है तो बीच में बोल लेते हैं। और नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं आपने 700 भाई आपने 700 किसानों की बात करी, अगर हम आपसे पूछते आप बोल लीजिए, मैं बातें बोलूंगा। बोल लीजिए आप, अरे सही है, आप मुझसे सवाल करो, जो सवाल करना है आपके सवाल का जवाब ना तू तो बताना मेरे सवालों ठीक का। ठीक है मैं एक छोटा सवाल है मेरे लिए, रास्ता नहीं होता। हाँ, एक छोटा सवाल मेरे लिए, सुनिए। मैंने आपसे एक सवाल और किया था कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का गुंबद गिराया गया था, 2 लड़के थे गुंबद गिराने में, कहाँ है आज? देखिए पीछे तो मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मैं, हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लो भाई साहब, सुनते नहीं हो आप, ये समस्या आप लोगों की। मैंने आपसे कहा सवाल पूछे, मेरा सवाल छोटा सवाल है, अरे छोटा सा सवाल, अरे सर छोटा सा सवाल तो मेरा सुन लीजिए। आदरणीय राकेश टिकैत जी खेला होबे के लिए कलकत्ता गए थे, जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके माँ बाप से क्यों नहीं मिले, पहली चीज। दूसरा सवाल मेरा ये था कि सिंदूर के अंदर कई हजार बीघे जो किसानों की जमीन छीन ली गई, उनसे क्यों नहीं मिले? तो क्या वो ममता बनर्जी से? देखिए प्रदीप जी और सुनील जी इस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप राकेश टिकैत को लेकर सवाल कर रहे हैं, आप बीजेपी को लेकर सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, राकेश टिकैत कहाँ गए, आप ये सवाल कर रहे हैं। देखिए जो मुद्दा है अभी उस पे रहे तो ही सही है। सुनील जी एक बात बताइए, आपको नहीं लगता इस पूरे आंदोलन का अब रंग जो है वो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि राजनीति खूब हो रही है, अब ये आंदोलन आंदोलन नहीं रह गया, सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है? राजनीति कोई नहीं कर रहा, केवल भाजपा को छोड़कर। भाजपा चाहती है किसी भी तरीके से आंदोलन को खत्म कर दो, अब इसको ये हिंसक बनाना चाहते हैं। अब क्यों सुनील जी के कांग्रेस और सपा नहीं इस्तेमाल कर रही है आपके इस आंदोलन का?
आप एक बात बताइए, क्या कांग्रेस और सपा या फिर और पार्टियां नहीं इस्तेमाल कर रही हैं आपके इस आंदोलन का 2022 के लिए या 24 के लिए? मैडम देखिए, पार्टी का कोई भी मंच नहीं है हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा में, कोई पार्टी वाला जाता है किसी को मंच नहीं मिलता वहां पे, ठीक है। हर आदमी चुनाव आ रहा है, अपना संघर्ष कर रहा है। इनकी तरह ये नहीं है कि भाई बोर्ड पे छाप दिया यूपी नंबर वन, कहां से यूपी नंबर वन कर दिया उन्होंने बता दिए क्या? एक बोर्ड के ऊपर रोटी छापने से पड़ोसी का पेट भर जाएगा। इनके पास तो फोटो भी नहीं है, बंगाल का फोटो ला ला करके लगाते हैं फ्लाईओवर के, अब बिल्डिंगों के फोटो बाहर के ला के लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी बिल्डिंग इनके पास ऐसी नहीं है, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी इनसे आज तक। सिर्फ नाम बदल देने से विकास नहीं होता। अगर इन्होंने नाम बदल दिया, नाम बदलने से मैं अपना नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर दूं तो मैं प्रधानमंत्री थोड़े बन जाऊंगा? ये तो नाम का विकास कर रहे हैं, नाम बदलते हैं। आप उनसे कहीं बन भी नहीं पाओगे, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे आपको। अरे ऐसा चाहिए भी नहीं हमें, ऐसा नहीं बनना हमें। आपको आपको जरूरत नहीं, हमें बहुत जरूरत है, चिंता मत कीजिए, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, क्या तुम अपनी माँ को लाइन में खड़े कर दोगे क्या? नोटबंदी में तुमने अपनी माता को भेजा पैसे निकलवाने? वो भी जिगरा चाहिए श्रीमान, जिगरा चाहिए, माँ का दूध चाहिए, ये जिगरा चाहिए, ये एक साधारण व्यक्ति की वो है। सुनील जी माफी जो खड़ी हुई थी सुनील जी, नोटबंदी की लाइन में तो मैं ये कहूंगी कि हर एक कोई इंसान लगा था नोटबंदी की लाइन में, तो भी गोद में बैठ गए हो और आपको नेता करनी ही समझ में आती है, आप ऐसी बातें समझोगे आप? अरे छोड़िए, आप नहीं है बेकार फजूल है आपसे सब बातें करना। सबसे माँ मेरी लगी लाइन के अंदर, मैं भी लाइन में लगाऊ। तुम्हारे राज में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं दुनिया भर के, उस आवाज को दबाने के लिए अडानी के, आप एक बार बताइए अगर मेरे आप जरा कभी किसान कभी कभी पूछा है आपने महाराष्ट्र की सरकार से? क्योंकि अडानी ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है और उस सरकार को चलाने के लिए, सुनिए सुनिए, अभी 5 लाख किसान, अभी शिवाजी, सुन लीजिए, अभी 25 लाख 5 लाख किसान शिवाजी पार्क मुंबई के अंदर इकट्ठा हुआ था अपना ऋण चुकाने के लिए और जमीन अधिग्रहण के लिए, जो महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं सुनी। कभी कांग्रेस से पूछा आपने? कभी महाराष्ट्र गए आप? हनुमानगढ़ के अंदर सुनिए साहब, अरे हनुमान अभी नया बता रहा हूँ, अभी हनुमानगढ़ के अंदर अभी लाठी से भर लाठी मारा अभी किसानों को, आवाज ही निकलेगी आपकी? आप कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं, कहते ना आपके मुंह से आवाज ही निकलेगी कि अभी जो हनुमानगढ़ के अंदर किसानों को लाठी भर भर के मारा है उसमें आप नहीं बोलेंगे? छत्तीसगढ़ के अंदर किसान बैठा है 5,000 कमरे में बैठा है, मुख्यमंत्री आवास के पास ही बैठा है, आप नहीं बोलेंगे? प्रदीप जी और सुनील जी काम करिएगा, प्रदीप जी और सुनील जी एक काम करिएगा, आप दोनों फोन पर बात कर लीजिएगा और आपस में सुलझा लीजिएगा इस मुद्दे को। विनोद जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, आप एक बार बताइए, कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां पर मिलने पहुंचे, किसानों के परिवारों से भी मिल लिए, अब आज फिर क्या जरूरत हो गई कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी जाना पड़ा और वो भी इतनी सारी गाड़ियां अपने साथ लेकर, इतने सारे कार्यकर्ताओं को लेकर, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, क्यों किया जा रहा है ये सब? देखिए, हम अपनी प्राथमिक, कांग्रेस पार्टी अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी समझती है और कांग्रेस का एक एक सिपाही उसकी हार्दिक इच्छा है कि इस आपत्ति में विपत्ति में सरकार के जुल्म और सितम की जो इंतहा बेचारे किसानों पर हुई है उन परिवारजनों उन प्रियजनों के पास पहुंचे। लेकिन विनोद जी करने का काम करें, विनोद जी अभी आपको भी पता है माहौल क्या है, जरूरी है कि अभी जाना, को अकेला नहीं छोड़ सकते, हनुमानगढ़ नहीं जाएंगे राजस्थान, हम अकेला नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल जाना है, नहीं जाएंगे हनुमानगढ़, बताइए उनको अकेला छोड़ दिया जाए? अच्छा राजस्थान हनुमानगढ़ नहीं जाएंगे, देश चलेगा सहानुभूति से, देश चलेगा मूल्यों से, कि देश इनके अनैतिक आचरण से चलेगा, इनके गोली से चलेगा, इनके रोंदने के स्टाइल से चलेगा, इनकी बदमाशियों से देश चलेगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही किसानों के साथ है और उनके साथ उनसे मिलके उनको संबल देने का काम करेगा। सिंधिया रोका नहीं गए, सचिन पायलट भागने को तैयार है, ठीक है विनोद जी, मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी बोलिए, प्रदीप जी रुक जाइए, कुछ कर रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ बार बार, आज सुबह से मैं, ये चौथी या पांचवी डिबेट है मेरी, बीजेपी के लोग यही राग अलाप रहे हैं कि हनुमानगढ़ और छत्तीसगढ़ की घटना का, तो मनोज जी आप ही पूछ लीजिए 15 साल से, अरे चुप रहिए आप प्लीज, मैं कह रहा हूँ कि 15 साल से छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ही शासन था, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता प्राप्त के लिए हो, वहां विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे, इसी के कमरे में क्यों बंद हो, और वसुंधरा राजे भी राजस्थान की चुप क्यों बैठी है, बीजेपी के लोग खामोश क्यों हैं?
अगर कांग्रेस दूसरे स्टेट में आके राजनीति कर रही है तो योगी आदित्यनाथ को पहुंच जाना चाहिए। कौन रोक रहा है? संसाधन की कमी, पैसे की कमी है। नहीं, उससे क्या होगा मनोज जी उससे क्या होगा? जो तरीका आप अपना रहे, जरूरी है बीजेपी भी उसी तरीके पर जाए? उससे क्या होगा? तो ये सब आधार पे बीजेपी को ये बात कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो कोई व्यक्ति, हम राजनीतिक दल है, न्यूज एंकर तो है नहीं, हम मीडिया वाले तो है नहीं, हमारा काम राजनीति करना है ना, घंटा बजाना तो है नहीं। अब मेरे पास मठ होता, कोई मंदिर होता तो मैं घंटा बजाता, खिचड़ी डाल लेता, ठीक है मनोज जी, ट्रस्ट के पैसे का हिसाब किताब रखता। मनोज जी करिए, आप खूब राजनीति करिए, आप करिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि माहौल को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए चाहिए था, या फिर शांत कर दीजिए? माहौल गर्म नहीं है, ये जब विपक्ष जाएगा तो इन गुंडों का जो उबाल है वो कम हो जाएगा, और अगर विपक्ष नहीं खड़ा होगा तो ये गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। गुंडा तंत्र उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बना बैठा है उस पर भी 2 दर्जन मुकदमे हैं, उप मुख्यमंत्री पर 3 से 4 दर्जन मुकदमे हैं, ये गुंडे लोग बैठे हैं सत्ता में, इसलिए विपक्ष का खड़ा होना जरूरी है गरीब आदमी के साथ, इस बात को समझ लीजिए। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम कोई दंगा नहीं भड़का रहे हैं, ठीक है, तो सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि न्याय नहीं मिलेगा गरीब को, आप यही कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो उदाहरण के साथ पूछता हूं, मनोज यादव इधर उधर की बात नहीं करते हैं, पाटीदार इनका SSP था बुंदेलखंड में, आज तक मिला जिस व्यापारी की हत्या करने के बाद एक IPS अफसर फरार है, गोरखपुर में जिस व्यापारी की हत्या हुई वो 6 पुलिस वाले फरार हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। आप बताइए सरकार ने किसको गिरफ्तार किया? कुलदीप सेंगर किस तरीके से अत्याचार कर गया उस उन्नाव की बेटी के परिवार पे, विपक्ष खड़ा हुआ, दबाव बना, तब जेल जा गया है। और वो चिन्मयानंद आप भूल गई होंगी, मैं नहीं भूला हूं, अपनी स्कूल की छात्राओं के साथ क्या कर रहा था उस चिन्मयानंद के साथ, इन्होंने क्या किया? चलो रोजगार पे आ जाओ, इनके एक सिद्धार्थ नगर के मंत्री थे, उन्होंने अपने भाई को गरीब ब्राह्मण के कोटे से नौकरी लगवा दी, क्या उस पर कार्रवाई की इन्होंने? इस्तीफा हो गया बस। अरे ये वो लोग हैं जो बेशर्म हैं, जवाब देंगे, माफ करिएगा प्रदीप जी, जवाब देंगे बिल्कुल। सुन लीजिए, आप लोग तो पहले इनकी गोद में बैठ चुके हैं, ठीक है, आप जिनको खड़ा करना चाहते हैं लोक दल को, जिसके लिए आप काम के लिए कर रहे हैं उसे करते रहिए। पहली चीज मनोज जी, जो आप बात कर रहे हैं ना गोरखपुर की, मैं बता दूं आपको मनोज जी, सुनिए सर, बीच में बोलने के बाद आप बोलिए, आप बोलिए जी, किसने बोला जी? नहीं, आप दीजिए जवाब, आपसे सवाल किए गए, आप जवाब दीजिए ना, आप तो जवाब ही नहीं देते ना, कहते दूसरा आप जैसे लोग बीच में बोलते हैं ना, आप जैसे लोग बैठा लेते हैं आपको, आप जैसे लोगों को, सुनील जी आप सुन लीजिए ना, जवाब तभी देंगे, सुन लीजिए आप, कहते ना आप जैसे लोग सुनना नहीं चाहते ना, 700 लोगों का, 700 किसानों का हत्या रहे हो आप लोग, 700 किसान मारे हो आप लोगों ने, राजनीतिक लोगों बीच में बोल बोल के डिस्टर्ब करते हो, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तुम लोग करते हो, पूरे देश को डिस्टर्ब कर। अब आप सवाल करो, जवाब लो ना मुझसे, सफाई में डांस कराने वाले, दंगा कराने वाले लोग यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश को कंगला करके छोड़ के गए, 1 रुपया छोड़ के दिया प्रदेश के अंदर, कितना विकास करा प्रदेश के अंदर, आप सवाल करते हैं लोग बैठ के, सरकार चलाने वाले सवाल करते हैं आप, इस देश की स्वतंत्रता में एक आदमी का नाम बता दो भाजपा को, आप लोग किसने देश की आजादी में, मेरे बाप का नाम है स्वर्ग श्री बांके बिहारी लाल, जिसकी औलाद बैठा हूँ मैं, पहले मैं बैठा हूँ, मेरे बाप का नाम है स्वर्ग श्री बांके बिहारी लाल, स्वतंत्रता सेनानी, पहला मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने, वो कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस में थे, पहले मुलायम सिंह भी कांग्रेस में थे, प्रदीप जी तुम्हारे पिताजी भी कांग्रेस में थे, चलिए ठीक है सुनील जी, मनोज जी, आप सबको यही रोकना चाहूंगी, सुनील जी सुनील जी और मनोज जी, चलिए ठीक है सुनील जी समय नहीं है मेरे पास, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, आप सभी को यही पर रोकना चाहूंगी, जवाब ही लेना चाहते हैं,
गोरखपुर का जवाब ले। सुनील जी सुन लीजिए, समय नहीं है मेरे पास। सुनील जी प्रदीप जी आप सभी को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी, लेकिन प्रदीप जी जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने इतने दिन से कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं की, आज जब विपक्ष का ये जो पूरा दबाव बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब दबाव बनाया और सवाल पूछा और जब जवाब मांगा, एक दिन का समय दिया गया, तब अब जाकर ये कार्रवाई की जा रही है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर राजनीति पूरी तरह से खूब की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है, साथ ही सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है कि विपक्ष राजनीति करने का मौका ढूंढ रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांग लिया है और एक दिन का समय दिया गया है, साथ ही कहा गया है कि स्टेटस रिपोर्ट दें और उसमें सब चीजें बताएं कि कितने लोगों की इस पूरी हिंसा में अब तक जान गई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है, उस पूरे चीज को लेकर जवाब मांगा गया है। अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कल होगी, आगे क्या कुछ होगा और क्या कुछ कार्रवाई होगी, कौन आरोपी होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।